12 साल से आदमी पूरे देश में झूठ पर झूठ बोलता आया। गोधरा दंगों पर माफी तो दूर, इसने तो ये भी नहीं माना कि दंगों के दौरान खून खराबा हुआ था। लेकिन मोदी के पाप की पोल उसी के एक गुंडे ने खोल दी। इसका नाम है बाबू बजरंगी। ये गोधरा कांड के सबसे बड़े दोषियों में से एक है। खुद अदालत इसे जिंदगी भर जेल में रहने की सजा सुना चुकी है, लेकिन एक स्टिंग ऑपरेशन में इसी हत्यारे ने अपने मालिक का सच पूरी दुनिया को बता दिया। नरोड़ा और नरोड़ा पाटिया, नरोड़ा गांव है, आधा किलोमीटर का डिस्टेंस है नरोड़ा और नरोड़ा गांव में। तो दोनों में हमें खूब खूब कुछ संख्या कम से कम वहां काटा होगा ना सर, नरोड़ा और नरोड़ा पाटिया। फिर उन्होंने लाशें उठा उठा के फेंक दिया, कुआ एक था कुआ में डाल के तरफ दिया सबके। पहले तो मैं इनसे बात ही नहीं कर रहा था, पहली बार मेरे को मिले ना तब। तो मैं बोला ये कहीं हमारे वहाँ बहुत पत्रकार और ऐसे तैसे आदमी आते हैं, तो मेरे को पूछते कि आप पाटिया कहाँ। मैं बोला मैं पाटिया कहाँ था ही नहीं, मैं तो बहुत दूर था, एक हॉस्पिटल में दाखिल। उनके ही थे ना सब, ये घर में घुसे तो यहाँ से सिलेंडर लिया और हमारी धड़ा फूटे ट्यूबवेल तो थी हमारे पास। उस टाइम तो मजा ही और था सब, और हमारे चार कार्यकर्ता मर गए और उनकी भी कोई सुनवाई नहीं है, उनकी भी कोई सुनवाई नहीं। वर्कशॉप है उसके बाद दीवार है, उसके बाद में पार्टी है, तो उसको पार्टी के सामने मस्जिद है, उसके साथ में एक खड्डा भी है बहुत बड़ा, वहां मैदान में सबको मारा। और हमने 7 बजे फोन करके गृह मंत्री को बता दिया था और जयदीप भाई को भी बता दिया था कि इतने लोग मरे हैं, आप अब संभाल लेना। इन्होंने कुछ भी किया कि नहीं संभाला, क्या हुआ, रात को 2:30 बजे मेरे नाम का एफ आई आर हो गया। और एफ आई आर हो गया देखो वहां था, ऑर्डर भी दे दिया कमिश्नर ने, कमिश्नर ने दे दिया। बहुत बड़ा खड्डा था स्वभाव जैसा, इधर से तो आए इधर से चढ़ नहीं सकते थे, तो मैं बहुत सभी एक ही साथ इकट्ठा हो गए। फिर क्या वो सब चिपकने लगे एक दूसरे को, मरते मरते बोले तू भी जा तो तू काहे को बचता, तू भी आ जा सर। तो उसमें सब ज्यादा हो गया, तो फिर उसमें इन लोगों ने तेल डाल दिया, तेल टायर सब। उस टाइम तो तेल तो पूरा हमारे साथ में इतना सामग्री था ना, आगे से हमने इतना कार्बो भरा, रात को हमने पेट्रोल पंप से इतना पेट्रोल वालों ने हमको फ्री दिया था पेट्रोल डीजल। फिर वो जो थोड़े आगे जाते थे वहाँ मस्जिद थी, मस्जिद के आगे सब वो इकट्ठा हो गए। फिर काटो मारो में चल भी गए, पूरा हो गया। नहीं तो लेकिन इन्होंने बच्चों को औरतों को कायदे से काटा है, किसी को नहीं छोड़ा, पनपने नहीं चाहिए। मैं तो आज भी बोलता हूँ कि कुछ भी हो, लेडीज हो बच्चे हो कुछ भी हो, काटने से कुछ मारो काटो जला ना। अपने हिंदू बदमाश इसलिए बोलता हूँ साहब कि हमारे नजर के सामने हिंदू इतने बदमाश है, वो लोग बहुत लोगों ने लूटने में रहे। अरे सर इनको जिंदा मत रखो तो क्या है, अपना ये सब लूटने में थोड़ा रेप करने में भी रहे कुछ। रेप तो नहीं हुआ ऐसे, आपको किधर खींच के ले गए ना वो बात हो तो अलग है। बाकी जब हम लोग चलते थे उसके पीछे टोला भी था ना, तो वो कहाँ रेप करने की जगह मिलेगी। उस टाइम तो ये होता खुला था कि जैसे आज चल रहे आगे हो रहा है काटाकड़ी मारा मारी हो रहा है, उसमें कैसा था कि ऐसे गली थी से। तो हम लोग घुसते तो वो लोग घुसे तो पहले सामना होता था, आमना सामना होता था, वो लोग की ताकत वो लोग लगाते थे। फिर कहीं हुआ कहीं लगा वो हुआ, फिर जैसे ताकत के घुस गए 5-7 पड़ गिर गए मर गए तो फिर आगे चलते थे। तो उसमें क्या है बहुत एक कोई कहीं कहीं से लड़की कहीं भाग रही है, कोई कोई छाना ले गया उठा के वो बहुत बात अलग है। उस टाइम तो उस जगह पे तो सब, मगर जैसा पाकिस्तान हिंदुस्तान में हुआ पाकिस्तान वालों ने कहा था उस टाइम, आप देखो ना सर वो लाशें पड़ी थी, वो उस टाइम सीन खेतने जैसा नहीं था कि किसी के हाथ में आ जाए। हमने वो एक वीडियो वाला आया था मीडिया वाला, उसको भी चला दिया था। हाँ और मैं बहुत लोग जय माता जी करके भी भाग गए, वो भी हुआ है हमको माल जय माता जी वो तिलक लगाया और बोले जय श्री राम जय माता जी हुआ। वो बताइए ना वो SRPF वाले ने कैसे बचाया। एक खाली मुसलमान था, SRPF का बड़ा था सैयद अली, उस जो अधिकारी था और SRPF के पीछे ही वो सब हुआ कांड हुआ, मारा मारी का कांड हुआ। बाकी जो भागे ऊपर जो खड्डे के ऊपर थे वो भागे, वो कंपाउंड SRPF के कंपाउंड में घुस गए।
जो एसआरपी के पुलिस वाले थे वो भगा रहे थे जब तक वो गाड़ी लेके आ गया, और उसने बोला कि सबको अंदर डालो चलाओ, तो वो तो फिर वो कमांडो है, वो अधिकारी है, तो उसमें बहुत लोग बच गए, कम से कम 500 लोग वहां बच गए, नहीं तो दूसरे 500 लोग हो जाते। लेकिन उसके ऊपर भी गोली चलाई हम लोगों ने, उनको भी गोली चलाई एसआरपी वाले, वो भी हमारा साक्षी है सामने। फिर हमारा वो बना है, लेकिन बाद में फिर नरेंद्र भाई ने उसको प्रमोशन वोशन देकर शांत किया है। तो काम तो वो पाटेकांड का बहुत अच्छा हुआ सब, और हम तो आज भी हम मुसलमान के सामने लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, और हमको तो एक ही है कि हमको राजकारण से कोई मतलब नहीं है। मैं तो बोलता हूँ राजकारण विश्व संस्था है, हिंदू संस्था है सब, राजकारण इतना ही होना चाहिए कि अपन को कोई उसमें मगजमारी नहीं। अपना राजकरण कितना होना चाहिए, जैसे अपन ने किसी मुसलमान को मार के आए पीट के आए, कैसा तो लगता है जब है? कैसा मजा आता है ना सब, उसको मार के आए, मार के आके घर पे सो गए, तब एक ही है कि गृह मंत्री को फोन किया, तो कैसा लग रहा था मतलब ऐसा हो रहा था कि आज कुछ राणा प्रताप और महाराणा प्रताप ने कुछ किया, उस टाइम बातें सुनते थे आज कर दिया। सब फोन भी कर रहे थे, और उसके बाद में सब दौड़ दौड़ के पुलिस के पास भी जाते थे। हम लोग तो जो उनका एक वहाँ पे सलीम करके एक था जो नरोड़ा पार्टी का थोड़ा दादा माना जाता था, वो तो सब जीप के अंदर घुस गया था, सब फायर गया था जीप के अंदर घुस गया था, तो पुलिस हम खुद उसको पकड़ के खींच के बाहर लाए, तो बोलते पुलिस वाले बोलता बोले इसने मारी इतना उसको, बोले मार ही डालना जिंदा छोड़ेंगे तो बयान देगा ना, बोले उसको पूरा थोड़ा दूर ले जाके पूरा ही कर दिया, क्योंकि दादा ये जीता रहेगा तो बोले पुलिस की जीप में घुसा था बाहर निकला कुछ नहीं किया। जिस दिन पाटेकांड हुआ वो तो अयोध्या से, अयोध्या से दिल्ली विल्ली आ गए थे, जहाँ भी आगे आपको पता होगा पाटेकांड जिस दिन हुआ उस दिन शाम को या दूसरे दिन नरेंद्र भाई पाटिया आए, बताइए नरेंद्र भाई पाटिया आके गए, पर वो बनाव पे इसके लिए नहीं आ गए, उसके साथ में कमांडो कमांडो रहता है तो बनाव पे नहीं आए, पर पाटिया आके उत्साह देके चले गए और लोगों का उत्साह बढ़ाया, नरेंद्र भाई उत्साह बढ़ा के चले गए टीम के साथ में, पर जब रात को आधी रात के बाद दूसरे दिन जो चालू हो जाएगा वापस, तो नरेंद्र भाई उसके लिए आए थे, वो पूरे अहमदाबाद में घूमे थे, जहाँ जहाँ मियाँ है ना वहाँ इसके लिए घूमे थे, हिंदू में यहाँ मुसलमान रहते हैं यहाँ हिंदू रहते हैं, तो हिंदू में जाके आया कि नहीं अच्छा किया और करो। ये जेल गए तो जेल में आप बताइए ना छुड़वाया किसने, बताइए इनको कैसे छुड़वाया? हमको तो जेल से नरेंद्र भाई ने छुड़वाया, उन्होंने जज बदले और जज बदल के फिर नरेंद्र भाई ने सेटिंग की और नरेंद्र भाई ने हमको छुड़वाया, तो हम नहीं छूट सकते। पहला जज आया था धोड़किया जी था, उन्होंने बोला कि बाबू भाई बजेंगे तो फांसी होनी चाहिए चार पांच बार, एक बार नहीं, और फाइल फेंक दी सब। फिर दूसरा आया तो दूसरा ने हमारे को यही बताया कि नहीं इनको फांसी होनी चाहिए। फिर तीसरा ने फिर डेढ़ साढ़े चार महीना हो गए, फिर नरेंद्र भाई ने हमारे को संदेशा भेजा कि ठहर जाओ मैं अभी सेटिंग करता हूँ, अभी टाइम निकल गया है। फिर उन्होंने अक्षय मेहता करके जज को भेजा, जज ने फाइल नहीं देखी कुछ नहीं, बोले जा नहीं ग्रांटेड, और सब जेल खाली कर दी, बाहर आ गए हम लोग। तो वो ये काम हम तो भगवान इसके लिए मानते कि इनके काम के लिए आज हमको बोले, हिंदुत्व के लिए हम मरने दिया है। हमारे FIR में लिखा गया है एक को प्रेग्नेंट थी उसको हमने चीर दिया, इनको बताया कि क्या होता है कि हम लोग को तुमने मारा तो हम तुमको क्या प्रतिज्ञा दे सकते, हम खिचड़ी घड़ी वाले नहीं है। सुन लिया आपने कि गोधरा का असली हत्यारा कौन है, अब फैसला आपका है कि मोदी की असली जगह क्या होगी, दिल्ली की कुर्सी या फांसी का फंदा।